ओम शांति। अपने परम पूज्य बाप के द्वारा अभी कर्म की गति अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म, इसकी यथार्थ नॉलेज मिल रही है। ये भी एक समझने की बात है कि कर्म की नॉलेज सवाय परमात्मा के और कोई समझा भी नहीं सकता है। क्यों? कि मनुष्य जो है, सभी मनुष्य आत्माएं कर्म के चक्कर में है, क्योंकि वो कर्मों की स्टेज में आने वाली हैं। हर आत्मा को अपने कर्म की स्टेज में आना ही है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन, सतो रजो तमो, ये हर एक को पास करना है। सब आत्माओं को, कोई भी हो, देवताएं भी देखो अभी तमो में है ना, हा? सब सबकी आत्माएं अपनी स्टेजेस में पास होने की हैं। इसीलिए सभी आत्माएं जो कर्म के गति में, सदगति फिर दुर्गति इस सभी चक्कर में, जो खुद उस गति में सदगति से दुर्गति में चल रहे हैं, फिर दुर्गति से सदगति में चलते हैं, तो जो उसी चक्कर में चलते हैं वो नॉलेज को दे नहीं सकते। हाँ, इनकी यथार्थ नॉलेज कि सदगति और दुर्गति, ये मनुष्य के कर्म का जो स्टेजेस हैं वो कैसे चलता है, ये सवाय उसी परमपिता परमात्मा के जो कर्म के इसी सभी अकर्म विकर्म खाते से अलग है, वो समझा सकता है कि कर्म का क्या स्टेजेस है। इसीलिए इसकी नॉलेज, इसका यथार्थ ज्ञान सवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। तो पहली पहली बात तो जो रोज के सुनने वाले हो उनके बुद्धि में ये बहुत अच्छी तरह से हो जानी चाहिए कि ये नॉलेज, इन बातों की सवाय परमात्मा के और कोई दे भी नहीं सकता है। तो ये तो समझने की बात है। इसीलिए देखो गीतों में भी आते हैं ना, उनको ही याद करते हैं गीतों में भी, क्या कि तुमने जो योग जगाया, हा? देखो गीत में भी कहा ना, वो दूसरा ना कोई अर्थात और कोई जगा नहीं सकता है। तो ये सभी चीजें हमारे पास, इसकी नॉलेज और उसके साथ जो योग है अर्थात की याद, ये सभी जो बातें हैं वो सवाय उसके ही और कोई करा नहीं सकता है। ये मनुष्य की बात है ही नहीं, मनुष्यों को तो करना है ना, तो जिनको करना है वो ही सिखाए, ये कैसा हो सकता है। नहीं, अभी हमको डॉक्टर बनना है तो हमको डॉक्टर, जब मैं नहीं हूँ तब तो बनेगा ना, जो बना हुआ है वो हमको बनाएगा, बाकी ऐसे थोड़ी डॉक्टर ही डॉक्टर बनेगा, आखिर तो बनने का क्वेश्चन नहीं है ना। तो हमको कर्म की गति अथवा नॉलेज सिखाएगा वो जो आज सिखाने वाला है ना, हम तो सीखने वाले हो गए ना सब मनुष्य, तो वो मनुष्य जो सीखने वाले हैं, जो कर्म की गति की स्टेज को पहुंचने वाले हैं, वो कैसे सिखा सकेंगे? वो जानते भी नहीं है और पहुंचे हुए ही नहीं है। जो पहुंचे हुए देवताएं भी हो ना, वो भी नहीं सिखा सकते हमको, देवताएं भी ये ज्ञान नहीं सिखा सकते, क्योंकि तो जब ये देवताएं हैं तब तो फिर ज्ञान की देने की या लेने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम तो दुनिया ही स्वर्ग है। तो जब मनुष्य देवताएं हैं पूर्ण, जिसकी कंप्लीट स्टेज है, तब भी उनको हाँ ज्ञान देने की एक तो बात ही नहीं है और उनको भी देने का है ही नहीं, उनके पास भी ये कि तुम्हारे कर्म कैसा, क्योंकि उसी समय उन्ही बातों की जानकारी रहने की जरूरत भी नहीं है और न रहती है, न उनको देना पड़ता है। तो जब ये देवताओं के पास भी, जिन्होंने ज्ञान सुन कर करके जो देवता बने, अभी ये हम ज्ञान सुनते हैं ना, सुन करके से क्या बनेंगे देवता, तो जो हम देवता बनते हैं उनके पास फिर भी ये ज्ञान जो है ना, अभी जिससे हम बन रहे हैं वो ज्ञान की जरूरत नहीं रहती, तो उनको भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं रहती, यानी उनके पास भी ये ज्ञान नहीं रहता है, तो फिर बाकी जो मनुष्य पीछे है उनके पास ज्ञान कहाँ से आया? जिन्होंने ज्ञान से सिद्धि जो पाई उनके पास ही ज्ञान नहीं रहा, तो बाकियों के पास ज्ञान कहाँ से आया? तो ज्ञान जो चीज है, जो समझ है,
जिस चीज की हमको जरूरत है वो सवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। तो पहली तो बुद्धि में ये चीज आई है, ये जो कई समझते हैं, फलाना भी यही समझाता है, फलाना भी यही समझाता है, वो भी यही ज्ञान देता है, फलानों ने भी ऐसा ही ज्ञान दिया था, विवेकानंद ने भी ये समझाया, उसने भी ये समझाया, ये बात जो है वो किसी ने नहीं समझाई। पहले तो ये बुद्धि में आनी है कि ये बात जो है जो यथार्थ हमारे कर्म की अथवा हमारे गति सदगति दुर्गति सभी नॉलेज जो है यथार्थ, वो सवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। इसी की ही महिमा आप औरों ने की है, जैसे गुरु नानक देव ने भी उस परमात्मा की महिमा की कि उसके ज्ञान उसके कर्तव्य निराले, तो मरी गत मत तुम ही जानो। देखो गाया ना कि तुम्हारी गति करने की जो मत है नॉलेज ज्ञान, मत का मतलब क्या ज्ञान, तो उसका ज्ञान भी तुम ही जानो। ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारे गति सदगति करने की मत जो है मैं जानू, नहीं कहा तुम ही जानो। तो तुम्हारी गत तुम्हारी मत यानी गति सदगति करने की भी जो ज्ञान है मत है वो तुम ही जानो, तो तुम ही जानो तो बताएंगे अभी वो ही ना। तो ये तो चीज बुद्धि में हो जानी चाहिए कि ये नॉलेज इस चीजों का सवाय परमात्मा की और कोई दे नहीं सकता। अभी वो क्या समझाता है उसी बातों को समझना है कि ऐसे नहीं है जैसे कहीं समझते हैं कि भाई आत्मा निर्लेप है, कहीं समझते हैं कि नहीं आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। नहीं, आत्मा न्यारी का मतलब ये नहीं है कि आत्मा लेप छेप से न्यारी है, नहीं, शरीर से अलग है, चीज अलग तो है ना, परंतु उसका मतलब ये तो नहीं है ना अपने लेप छेप से वो न्यारी है या शरीर भोगता है। भोगता शरीर नहीं है, शरीर के सहयोग से संबंध से भोगती आत्मा है। महसूस कर, अगर आत्मा ना होती शरीर खाली पड़ा है, डेड बॉडी पड़ी, आप उसको कुछ भी करो तो फील होगा, तो भोगने वाली चीज चली गई नहीं उनसे। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई आत्मा नहीं भोगती, आत्मा है इसमें तभी हमको दुख महसूस होता है। अगर शरीर में आत्मा न होती फिर इसको कुछ भी करो हाँ तो फील होगा, नहीं होगा ना। तो उसका मतलब है भोगने वाली जो है महसूस करने वाली जो है वो आत्मा है, और बनाती भी अपने कर्मों का हिसाब जो है ना वो आत्मा बनाती, इसीलिए आत्मा ही अपने कर्मों का हिसाब लेकर करके दूसरे शरीर में भी जाती है। देखो कोई दुख भोगना है किसको, छोटेपन में बच्चा जन्मता है, कोई लूला बेचारा, कोई लंगड़ा, कोई समझो कोई दुख है शरीर का, या ऐसे कोई कनेक्शन में आता है जिसको छोटेपन से दुख देखना है, बोला ये कहाँ से हुआ, जरूर है कोई कर्म का हिसाब उनका आया, जन्म से ही जो उसको मिला तो कहाँ से मिला, तो आत्मा अपने कर्म का हिसाब ले आई ना, जिसके आधार से उसका जन्म वहाँ बना, उसका शरीर ऐसा बना या उनके जो भी सरकमस्टेंसेस है वो ऐसे बने, आत्मा को ही कहेंगे नहीं, वो हिसाब किताब आत्मा के साथ रहा। तो आत्मा ही अपने कर्म के हिसाब को भोगने के लिए वहाँ गई या जा भोगना पड़ा वहाँ आई, तो आत्मा को ही तो कहेंगे नहीं लेप छेप लगा। इसीलिए ये तो चीज बुद्धि में रखनी है कि हम जो कुछ करते हैं वो हम आत्मा ही भोगते हैं, लेकिन भोगने की फीलिंग सवाय शरीर के न होने कारण शरीर में जब आते हैं तभी फील होता है, भोगना पड़ता है, तो शरीर के संबंध से आत्मा भोगती है। बाकी भोगती ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा नहीं भोगती है शरीर भोगता है, भोगती आत्मा है। अगर शरीर भोगता है तो फिर जब डेड बॉडी पड़ी है उसको भोगा हाँ, कुछ दुख करो या कोई तकलीफ उसको मिले वो उसको कुछ फील थोड़ी होगा। तो ये सभी चीज समझने की है कि भोगने वाली आत्माएं जो शरीर के साथ में फिर जहाँ शरीर में आती है तो उनको वहाँ वो फील अथवा दुख जो भी है होता है। तो एक बात ये भी बुद्धि में रखने की है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा के कर्म, इसीलिए हमको कर्म के ऊपर पूरा टेंशन देना पड़ता है। ये दूसरे जो समझते हैं भाई आत्मा निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो जो कुछ करना है कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन जाता है नहीं, वो समझते हैं मन जाता है विषयों के ऊपर, तो फिर खाली मन को ऐसे ही बैठ करके करे इसीलिए कर क्यों नहीं ले, हाँ मन तो जाता है नहीं, परंतु नहीं हम करते हैं वो तो भी कर्म बनेगा नहीं, जो हमारे हाथ से या जो भी हमारा कर्म हो चुका वो हमारे विकर्म के खाते में आ चुका, इसीलिए हमको उसके ऊपर कंट्रोल रखना है ना। जब तक हम विकर्मों को बंद न करें तो हमारा पाप जो जमा होता जाता है वो जमा होने से छूटेगा नहीं, तो हमको है अपने पाप के जमा किए हुए खाते को बंद करना। तो जब तक हम विकर्म खाते को बंद न करें ना
तब तक हमारा जमा हुआ पाप जो जमा करते जा रहे हैं वो बंद नहीं होगा। एक तो पहले के किए हुए पापों का भी सिर पे बोझ है, जिसी के कारण हमारे पास ये दुख अशांति जो भी जीवन में रोग आता है, ये कहाँ का कर्म है, जो किए हैं वो भोगते हैं। तो एक तो पहले का भी बोझ है, अभी जो हम करते हैं उसका भी हमारा पाप न बन जाए, इसीलिए हमको विकारों के सहयोग से अथवा उसके संबंध में कोई ऐसा कर्म नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि हमारा मन जाता है इसीलिए करते रहे। हाँ, मन जब आप ही ठीक हो जाएगा, मन तब तक ठीक होगा ही नहीं जब तक हम कर्म करते रहेंगे। अगर हमारा विकर्म खाता बनता रहता है और हम विकारों को अपने काम में लगाते रहते हैं तो हमारा मन तब तक सीधा होगा भी नहीं। क्यों? कि मन को छूट तो मिल गई ना कर्म करने की, वो चलता रहता है फिर मन हटेगा कहाँ। तो ये जो कहीं समझते हैं कि नहीं, सुनते सुनते कभी न कभी मन जो है वो ठीक हो जाएगा, ऐसे तो सुनते सुनते कितने काल से सुनते आए, आज थोड़ी सुनते हैं। ये सत्संग, ये कथाएं, ये बातें, ये वेद, ये शास्त्र, ये ग्रंथ कोई आज के थोड़ी है, ये तो कई युगों से है, दो युग से प्रॉपर एज से हम सुनते आए हैं। लेकिन सुनते सुनते हमारा वो विकर्म खाता सवाए मिटने के और ही बढ़ते चले आए ना, कि कॉपर से आयरन एज हो गई है, हम और ही नीचे गिरते चले आए हैं। लेकिन हमारे वो पाप कर्म का जो कुछ है वो छूटा तो नहीं है ना। तो ये सभी चीजें समझने की है कि इसी तरीके से हमारा भाई आस्ते आस्ते ये सुनते सुनते हो ही जाएगा, सुनते सुनते से नहीं होगा। ये जब तक जिससे हमारा पाप बनता है उसको जब तक हमने ब्रेक नहीं दिया तब तक हमारी जो कुछ है वो पाप मिटेंगे नहीं ना। इसीलिए तो बाप कहते हैं, एक तो तुमको पहले से ही बोझा है, चराते आए हो तो वो भी तुम्हारा पाप कटे, इसीलिए तो कहता हूँ मुझे याद करो। तो याद से तुमको पावन मिलेगा उस पापों को नाश करने के लिए, दूसरे तुम पाप न बनाओ, जमा न करो, उसके लिए फिर कहते हैं कि पवित्र रहो, कि तुम्हारे विकारी संघ का कोई ऐसा विकारों के संग में कर्म न होवे जिससे तुम्हारा विकर्म बने। विकर्म का मतलब यह विकार के संबंध में जो भी हम काम करते हैं, काम अवश्य, क्रोध अवश्य, लोभ अवश्य, मोह अवश्य, ये जो भी, और पहला तो देह अभिमान है जिसको अहंकार कहेंगे, इसके बस में जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा विकर्म बनता है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी विकारों के संग का कोई कर्म मत करो जो तुम्हारा विकर्म खाता बने। तो एक तो खाते को भी बंद करना है, दूसरा जो खाता बन चुका हुआ है ना उसको भी मिटाना है। इसीलिए तो कहते हैं मुझे याद करो तो वो तेरा मिटेगा, और पवित्र रहो तो तेरा बनेगा नहीं। दोनों बाजू की बैठ कर करके हमको सावधानी देती है, तो वो हमको रखने की है। इसीलिए हमको अपने कर्मों को पवित्र रखने का जरूर धारणा रखने की है। बाकी ऐसे नहीं है कि मन तब तक सीधा होगा ही नहीं, मन में तो पहले से ही वो पाप का बोझ चढ़ा हुआ है ना। हमारी मन बुद्धि अभी मैली हुई पड़ी है, अभी वो मैल जब तक, एक तो मैल पहले से चढ़ी हुई है और दूसरी मैल को भी अभी अगर हम कर्म करते रहेंगे उसको हम ब्रेक नहीं देंगे तो और भी मैल चढ़ेगी, तो वो समझेगा कभी, उनमें समझ बैठेगी नहीं, वो जो हमारी सत्यता की पावर है वो उनके ऊपर काम करेंगी नहीं तब तक जब तक हमारी वो जो कुछ मैल चढ़ी हुई है वो साफ न होती जाए। तो उसके साथ साथ साफ होती जाए और जो हम सुनते भी जाते हैं उससे हमको उसको साफ बनाते जाए, सुनते हैं साफ करने के लिए ना, वो करना है ना, वो हमको कर्म से करना है। तो हमारा है सारा मदार कर्म के ऊपर, हमारी जीवन का एक क्षण क्षण जो चलता है ना वो हमारा कर्म से बनता बिगड़ता सब उससे चलता है ना। हम जो करते ये बोलते हैं इससे हमारा क्या बनता है, हम अच्छा बोलेंगे अच्छा बनेगा। अभी हम कोई बुरा काम करते हैं, हम समझते हैं कि नहीं ये खान पान या ये जो कुछ भी, अगर हम समझेंगे कि नहीं इसमें कुछ है नहीं, मन जाता है तो खा ले वे, तो इसे तो खा ले नहीं, हम समझते हैं कि खाने से हमारी वो मन की मैल जो है एक तो पहले से चढ़ी हुई है, बाकी भी इसी खान पान से हमारे को वो नहीं आएगा। ये भी परहेज तो सब है ना, जैसे जैसे डॉक्टर होता है दवाई भी देगा परहेज भी देगा, वो ऐसे थोड़ी है कि परहेज उस टाइम न रखेंगे तो कभी रखेंगे। दवाई जैसे बीमार जब रोग है उसके लिए ही तो है ना, उसी टाइम तो हमको परहेज रखनी है ना, बाकी ऐसे थोड़ी है कि आप ही हो जाएगी तो परहेज नहीं तो क्यों है। दवाई भी करेंगे परहेज भी रखेंगे, भाई खट्टा ना खाओ मीठा ना खाओ फलाना ना खाओ, परहेज रखें तो ये भी तो परहेज है ना, कि उनको शुद्ध करने के लिए हमको ये सभी परहेज रखनी पड़ेगी, उसके लिए हमको विकारों का साथ नहीं लेना पड़ेगा। बाकी ऐसे नहीं है कि वो हम लेते रहे आप ही कैसे है,
हम कोई परहेज न रखें, अपने आप ही होगा, ऐसे ठीक हो जाएगा? नहीं, डॉक्टर जिस समय रोग है जिस समय दवाई देता है उसी समय परहेज भी देता है ना, कि ये परहेज रखनी है तब तो हम उसी रोग से मिट कर करके अपना जो निरोगता है उसको पा सकेंगे। तो ये भी चीज है कि हमारे ऊपर जो मैल चढ़ी है उनको साफ करने के लिए हमको इन बातों को ब्रेक देनी पड़ेगी। बाकी हाँ, भले आप इतना है कि कर्म में नहीं आने का, मनसा अगर कहाँ उल्टे तरफ चलती है तो उनका कोई दोष नहीं बनता है। कर्म हम कर लेंगे नहीं उल्टा तो उसका दोष बन गया, लेकिन मन में कुछ उल्टे विचार चले तो उसका कोई पाप बन नहीं गया, परंतु हाँ फालतू मन जो है ना वो वेस्ट जाता है। उसीलिए वेस्ट को प्रसेव करने के लिए उसकी याद में लगाना है कि उसके याद से हमको बल मिलेगा तो वो भी काम हो जाएगा ना। इसीलिए बाप का है कि मन को भी वेस्ट न करो, उसको भी मेरी याद में लगाओ तो उसी याद से भी तुमको ताकत मिलेगी। बाकी तुम्हारा विक्रम तो नहीं बनेगा ना, लेकिन तुम कर्म करते चलेंगे काम अवश्य लोभ अवश्य क्रोध अवश्य, वो तो तुम्हारा खाता तो बनता चुकेगा, वो खाता जो जमा होता जाएगा वो तुमको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए हमको ये कर्म की जो फिलोसॉफी है अथवा कर्म की जो नॉलेज है कि कर्म अकर्म विकर्म ये कैसा बनता है, कर्म तो है ही, मनुष्य जो कुछ करते हैं जनरली वो कर्म तो चलना ही गाय है, लेकिन अभी कर्म को चाहे विकर्म बनाए चाहे कर्म का खाता हम श्रेष्ठ बनाए, अभी अभी हमको सत्कर्म करना है, उससे हमारा श्रेष्ठ बनेगा। जिस सत्कर्म से अथवा श्रेष्ठ कर्म से फिर हमारे कर्म अकर्म रहेगा। अकर्म का मतलब है कोई भी हमारे विकारी खाते का कर्म ही नहीं है, इसलिए हम कोई भी दुख को नहीं पाते। तो वो है सतयुग की बात, जब हम देव देवता है तो उनका क्या कहेंगे, कर्म अकर्म है। अभी जो हम करते हैं वो हम सत्कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और पहले जो करते थे वो हमारे विकर्म थे। तो हम पहले कर्म को विकर्म में लाते थे, अभी हम कर्म को सत्कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म में लाते हैं, जिसके आधार से फिर हमारे कर्म जो है ना वो अकर्म रहेंगे, फिर हमको सत्कर्म करने की भी दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा कर्म अकर्म है, यानी कोई कर्म का खाता नहीं है, हम जो बनाया है अभी वो भोगते हैं सदा सुख का, इसीलिए फिर हमारा कर्म जो है ना वो अकर्म रहता है, यानी कोई खाता नहीं। तो ये सभी चीजें समझने की है कि अभी हमको अपना सत्कर्म यानी स्वच्छ कर्म करने का है। तो स्वच्छ कैसे करेंगे, वही हमको जो कर्म करते हैं वो स्वच्छता के साथ करना है, यानी विकारों के संबंध में नहीं करना है, तभी तो हमारे कर्म स्वच्छ होंगे ना। तो उस कर्म की जो ताकत है वो हमारी मैल को धोती जाएगी, साफ करते जाएंगे। अगर हम कर्मों को ताकत में न लाएंगे तो हमारे की मैल कैसे उतरेंगी, वो उतरेंगी नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये सभी चीजें समझने की हैं कि हमारे पर जो कीचड़ चढ़ी है अथवा जिसको माया कहा जाता है उसकी जो कीचड़ चढ़ी है उनको साफ करना है ना, तो मैल उतारने के लिए हमको जरूर है, जिससे मैल चढ़ी अगर वही काम हम फिर करते रहेंगे तो मैल उतरेगी कैसे, उनको उतारने के लिए हमको जरूर है कि उन कर्मों से संभलना है, और जो चढ़ चुकी है आप उसको भी उतारना है। उसके लिए फिर कहते हैं मुझे याद करो, अभी याद करो, ये जो कहा जाता है मन को मेरे में टिकाओ अथवा मन मना भव है, निरंतर मुझे याद करो, उसकी सहज रीति बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि किस तरह से मेरे में मन लगाओ। अभी देखो काम तो करना है ना, हा? ऐसे तो नहीं है सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना है ना, मन लगाने के लिए एक कोठरी में हा यहाँ कुछ छोड़ छाड़ के सब बैठ जाना, ऐसी बात नहीं है, हमको कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करते भी हम योगी रहे अर्थात मन उसमें टिका रहे, उसकी याद में रहे, उसकी बैठ करके के सहज तरीके से प्रैक्टिस बतलाते हैं कि चलो तुम देखो, भले देखो देखना तो है यहाँ, तो देखते भी क्या देखो, तुम्हारे बुद्धि में क्या होना चाहिए। देखो अभी हम है ना, हम आप सबके तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे बुद्धि में रहना क्या है कि हम क्या देखते हैं, ये सब आत्मा है। अभी हमारी दृष्टि जो है हमारी नजर में जो है कि ये सब आत्माएं हैं, तो हम देखती हैं तो किसको देखती हैं, आपके तरफ देख रही हैं, तो हम आपको देखती हैं कि ये आपकी बॉडी है, ये चिल्ली है, अब इन पता है हमको, चलो हम देखते हैं, पर तो हम देखते हुए आपको देखते भी हम आपका क्या देखती हैं, यानी आत्मा। ये चिल्ली क्या है, यानी कौन सी चीज, आत्मा है ना, ये आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, फिर शरीर और आत्मा के ऊपर ये नाम रखा हुआ है, परंतु हमने देखा किसको, आत्मा को। तो हमने आंख से क्या काम लिया, हा? हम आपसे बात करते भी हमारा ध्यान है आत्मा से, ये आत्मा सुन रही है, ऐसा ऐसा कर रही है, कहाँ से सुनती है,
कानों से सुनती है, इस ऑर्गन से कौन सुन रही है, आत्मा सुन रही है। तो हमारे ध्यान में आत्मा है, जो आत्मा ध्यान होने से हमारे को ख्याल में आएगा तो ये भी तो उसी बाप का बच्चा है ना, ये भी उसका बच्चा है, मैं भी उसका बच्चा हूँ, हम एक ही बाप के बच्चे हैं। पर तो हाँ, इन बेचारी को आत्मा को अभी वो भूल गया है कि हम कोई उस बाप के बच्चे हैं। अभी इसको ये रोशनी देने की है, पहचान देने की है कि तू उस बाप का बच्चा है, अभी उस बाप को याद रख। तो हमारे बुद्धि में वो चीज आएगी ना, आत्मा निश्चय होने से हमारी बुद्धि परम पिता परमात्मा के संबंध में आएगी। इसीलिए देखने समय भी, सुनने समय भी, बात करने के समय भी, अभी हम बोल रहे हैं तो हम अपने लिए भी क्या समझेंगे कि हम आत्मा बोलती हैं इस मुख के द्वारा, इन मुख से हम समझाते हैं, लेकिन बोलती कौन है, मैं आत्मा, और ये सुनती कौन है, ये आत्मा सुनती है। तो हमारा बोलना, सुनना, सुनाना, हाथों से भी करना, अभी हम हाथ से लिखते हैं या हाथ से रसोई पकाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हमारे बुद्धि में क्या होगा कि इस ऑर्गन से हम आत्मा ये लिखा दिया। ऑफिस में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारे बुद्धि में ये है कि इस ऑर्गन से हम आत्मा ये लिखा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में आत्मा निश्चय है। और फिर हम बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे बुद्धि में है कि हम आत्मा बोलती हैं। तो आगे जो अपने को बॉडी समझते थे, मैं फलाना हूँ, या वो देह का अभिमान आता था, वो बदल कर करके अभी आत्मा का अभिमान आएगा, यानी शुद्ध अभिमान उसको कहेंगे। इसको कहा जाता है देही अभिमानी, देही माना आत्मा और देहे माना शरीर। तो अभी हम होते हैं देही अभिमानी, यानी आत्मा अभिमानी। आत्मा अभिमानी माना शुद्ध अभिमान, हमको शुद्ध है कि मैं उस बाप का बच्चा हूँ, हम सब आत्माएं उसकी संतान है। पर हाँ, इन बिचारी आत्माओं को अभी वो पता नहीं है, हमारा फर्ज है हमको पता देना। तो हमको ये आएगा कि वो घृणा नहीं आएगी कि नहीं ये आत्मा यहाँ ऐसी है ऐसी है, नहीं हम समझेंगे है तो उसका बच्चा ना, पर तो बिचारी को हाँ पता नहीं है, उनको वो खबर देनी है। इसीलिए हमारी वो दृष्टि रहने से हमको वो प्रेम रहेगा, उस दृष्टि रहने से हमारा कोई ऐसा उल्टा काम नहीं होगा, क्योंकि हम एक ही बाप के बच्चे और वो बाप हमारा एवर प्योर है, हम आत्मा भी फर्स्ट प्योर है, पीछे ये इम्प्योर हुआ है। तो हमारी ओरिजिनल जो स्टेज है ना वो पवित्र है, इसीलिए हमको अपनी ओरिजिनल स्टेज पकड़ने की है कि हम जो असल में चीज है वो ही हमको हो करके रहना है। तो हमारी बुद्धि उसी बातों में चली जाएगी ना, आत्मा के निश्चय से, इसीलिए हमारा जो वर्ताव चलेगा ना वो उसी तरीके से चलेगा। उसमें किसको हम दुख देवे या किससे हमको अभिमान आवे, ये ऐसा वो ऐसा नहीं, हम है तो एक ही बाप के बच्चे है, तो ये भी तो आत्मा ही है ना, पर तो इन बेचारी को खाली पता नहीं है, तो उनको पता देना है नहीं। अच्छा, इसने मुझे दो गाली भी दे दी, किसी ने दे दी, तो हमको क्या आएगा उसी समय, ये किसने दी गाली, है तो ये भी आत्मा, परंतु इस बेचारी आत्मा के संस्कार जो है ना वो अभी थोड़े मैले है। तो हमारा काम है उसकी मैल को उतार कर करके उनको भी उस बात की रोशनी देना कि तुम्हारे कोई पाप न बने, ऐसा तुम काम मत करो। तो हमारे बुद्धि में वो चीज आएगी कि इसको उसी चीज की रोशनी देवे, बाकी ऐसे नहीं इसने दो गाली दी तो हम चार गाली दे देवे, या दो के हम चार बोले, चार के आठ बोले, नहीं, वो बोलेंगे तो हमारा खाता बन जाएगा, हमारा विक्रम बन जाएगा, इससे क्या होगा, हमारे पर और ही मैल चढ़ती जाएंगी और हम और ही पाप के भागी होते जाएंगे। तो हमारा जो भी एक्शंस है इसी धारणा से, जिसको सोल कॉन्शियस कहा जाता है, अभी इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस कि हम आत्मा है, दूसरे को भी देखते हैं आत्मा है, कोई दूसरे से भी रॉन्ग एक्शंस का वर्ताव भी होता है तो भी हम समझते है वो भी आत्मा, पर तो इनको पता नहीं है कि मैं कोई आत्मा हूँ। पता होता तो ये रॉन्ग एक्शंस में एक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं बोलता, ऐसा कुछ नहीं करता। तो हमारा काम क्या है, उसको पता देना, चलो पता नहीं दे सकता, वो नहीं मानता है या कोई नहीं भी सुनता है, तो चलो मैं तो अपने खबर में रहूं, मैं तो अपने पते में रहूं, मैं तो अपने को सोल कॉन्शियस में रखूं कि मैं तो आत्मा हूं ना, ये भी है। और तो बेचारे के संस्कार इसके ऊपर वो मैल चर गई हुई है ना, इसीलिए बेचारा उसके वश में वो कुछ कर देता है या कह देता है, लेकिन उसके साथ हम क्यों कहें, हम अगर कहेंगे तो हमारा खाता बन जाएगा ना। तो इसी तरीके से अपने को बुद्धि में रखने से इसको कहा जाता है, अभी हम देखो टिके पड़े हैं ना, इसको कहेंगे मन को उसमें टिकाना, यानी किसमें टिकाना, आई एम आत्मा, आई एम सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल। तो जितना हम बुद्धि को इसी में स्थिर रखेंगे तो हमारा एक्शन
हमारा वर्ताव जो आपस में भी चलेगा वो चलेगा जिसमें हमारे कोई ऐसा विकर्म अथवा कोई पाप का कर्म न। इसीलिए बाप का फरमान है कि बच्चे अशरीरी रहो, यानी अपने को शरीर मत समझो। अशरीरी का मतलब है आत्मा, अशरीरी है ना, आत्मा का अशरीर तो नहीं है ना, वो अशरीरी हो। तो आत्मा जो चीज हो अपने को वो समझो। तो वो समझ कर करके सारा दिन जो वर्ताव चलता है उसमें रह कर करके अगर वर्ताव करेंगे तो तुम्हारा वर्ताव भी जो है ना वो प्योर होगा, इम्प्योर नहीं होगा। इसी से तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते रहेंगे और तुमको बाप की भी याद रहेगी, गॉड कॉन्शियस भी रहेंगे, सोल कॉन्शियस भी यानी मैं आत्मा और फिर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ तो गॉड कॉन्शियस भी रहेगा। तो आत्मा सोल कॉन्शियस होने से गॉड कॉन्शियस रहेगा और ये रहने से फिर तुम्हारे से कोई ऐसा उल्टा काम नहीं होगा, तो सेफ्टी हो गई ना। तो ये है कि जैसे पहले अपने को समझती थी मैं फलानी हूँ, हर वक्त समझ में आता है ना, बच्चों से बात करेंगी या जो भी संबंध में जो भी काम काज, तो मैं फलानी हूँ, फलाने की बच्ची हूँ, फलाने की स्त्री हूँ, फलाने की माँ हूँ, फला, तो बुद्धि में तो सब ये चीजें आती है ना। अभी है कि मैं आत्मा, अभी अपने बुद्धि को उसने टिकाना है। तो कहते ना मन को टिकाओ, तो मन को कैसे टिकाना है, यानी मन को अभी इसी में रखना है कि मैं सोल, हर वक्त अपने को सोल समझ कर करके बर्ताव में चलना है। ऐसे नहीं है सोल समझने से हमारा बर्ताव नहीं चलेगा, जैसे हम अपने को बॉडी कॉन्शियस में बर्ताव में चलते थे ना, अभी बॉडी में समझ कर करके अपने को आत्मा समझना है, यानी वो चीज समझने की आत्मा, बस वो समझ कर करके बर्ताव में चलो। तो वो समझने से हमारी बुद्धि जो है ना वो ऊपर रहेंगी, ऊपर का मतलब है ऊंची स्टेज पर, ये आत्मा तो फर्स्ट प्योर है ना, उससे आत्मा की स्टेज इस ख्याल में आएगी। तो आत्मा फर्स्ट प्योर थी, अभी ये इम्प्योर हुई है, अभी हमको फिर अपनी फर्स्ट स्टेज जो है प्योर वो पकड़ने की है और हम प्योर सो एवर प्योर गॉड की हम संतान है। तो बुद्धि में ये सब बातें रहने से फिर हमारे जो एक्शन है ना वो सब ठीक रहेंगे, कोई हमसे कोई उल्टा काम नहीं होगा। तो ये है चलते फिरते खाते भी, इसके लिए हमको चिप करके बैठने की तो कोई बात ही नहीं है ना, इसके लिए हमको कोई एक कोठरी में बैठ करके कोई ध्यान करना है या कोई मूर्ति सामने रख कर करके उनका बैठ के कॉन्सेंट्रेट करना है, नहीं, हमको अपनी अपने को उसी आत्मा निश्चय में अपने को रखना है, ध्यान अपना अटेंशन जो है तो उसमें रखने का है कि अपने को आत्मा समझ कर करके फिर बर्ताव में चलना है। तो बर्ताव चलते हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सोल कॉन्शियस रहने के लिए हमारा बर्ताव बंद हो जाएगा या हम कुछ न करें बैठ जाए, नहीं, करते ही हम आत्मा है ये अपने को निश्चय रखने का। तो ये है चीज जिसका प्रैक्टिस हर वक्त घर में कामकाज करते जहाँ भी हो उधर रखने का है। अभी हम भी है, हम भी किसी अवस्था का ये अपना अभ्यास रख रहे हैं, यही तो अभ्यास है ना कि हम आत्मा है, बोलने के समय हमारा भी ध्यान, हम अपना ध्यान किस में रखेंगे कि हम आत्मा है तो उसी बाप की संतान, लेकिन बाप ने जो नॉलेज सुनाया है वो अभी सुन कर करके हम इन्हों को सुनाते हैं। तो हमारे बुद्धि में ये सब बात है परंतु घड़ी घड़ी इनका थोड़ी बैठ के सुनाएंगे, लेकिन हमारी बुद्धि में जैसे वो हमारी धारणा अथवा स्टेज उसी में रहने की है, उसको हमको रखना है। तो ये तो अंदर की है ना, तो अंदर को हमको किस स्टेज में रखना है, हमारी बुद्धि की स्थिति कहाँ रखने की है। तो जैसे पहले आगे मैं फलानी हूँ, फलानी की लड़की हूँ अथवा फलाने की हाँ मैं औरत हूँ, तो वो देह के अभिमान आते थे, अब कोई बोलता था तो हाँ मेरे को क्यों बोला इसने, हाँ तो वो देह का अभिमान। अभी है कि हम उसके बच्चे हैं, चलो ये भी तो है उसका बच्चा पर तो बेचारे को पता नहीं है, चलो दो गाली दे दिया तो हमारा क्या बिगड़ा, बिगड़ा तो उसका बिगड़ा, हाँ जो करेगा सो पाएगा, इसीलिए हम उसका क्यों अपने पर लगाएं, नहीं तो देह अभिमान आ जाएगा ना, तो इसने कहा तो फिर हमको भी आएगा किसने ऐसा करा तो हम क्यों ऐसा, फिर हम क्यों ऐसा, इसने कहा फिर हम क्यों ऐसा, फिर ऐसा हम और तुम, हम और तुम, उसी में तो बातें और हो जाती हैं। और इसमें क्या आएगा कि नहीं है बिचारी ये भी आत्मा और तरस पड़ेगा और तुम बिचारी को पता नहीं है इसीलिए इसने अपना पाप बना दिया, हमारा काम है इसको भी इसे छुड़ाना, अगर छुड़ा सकते हैं हमारे में समृद्धि है तो, पर तू समझो नहीं छुड़ा सकते हैं तो मैं ही फंस जाऊं, इसीलिए मैं क्यों फंसूं, मैं तो अपने को सेफ रखूं ना, चलो उनको नहीं बचा सकता हूं तो अपने को तो बचाऊं ना, बस बचाना चाहिए, परंतु समझो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, वो हमारी न मानेगा या कुछ भी है, चलो तो उनको हमको कुछ नहीं है तो हम अपना तो कुछ करें ना,
तो हम क्यों अपना बिगाड़ें, हम क्यों उसमें आकर करके उसके प्रति घृणा या उसके प्रति कुछ रखें जिससे कर हमारा भी विकर्म बने, या उसमें आकर के कुछ हम बोलें या कुछ करें तो वो हमारा विकर्म हो जाएगा ना। तो ये सभी चीजें हैं जो अपने पास रखने की है। अभी इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस। बाकी सोल कॉन्शियस कोई और चीज तो नहीं है ना, उसके लिए कोई हमको बैठ करके कोई मूर्ति का बस ध्यान लगा के बैठना है, वो कोई ध्यान कोई आंखों में कोई चीज का रूप रख करके थोड़ी बैठ करके ध्यान करने का नहीं। हर वक्त अपना अटेंशन कि हम उनके बच्चे हैं और हम आत्माएं हैं, और ये आत्माएं हम अभी लॉस्ट स्टेज पर आई, अभी हमको ऊंचा जाना है ना, तो ये भी हमारे बुद्धि में है, तो हमको अपनी वो स्टेज पकड़ने के, जो फर्स्ट हम थे, फर्स्ट हम प्योर थे, पीछे इम्प्योर हुए हैं, तो हमको फिर ओरिजिनल अपनी जो फर्स्ट स्टेज है उसको पकड़ने का, तो पकड़ने का है तो हमको प्योर रहना है ना, हमको कोई भी इम्प्योरिटी का काम नहीं करने का है, हमको कोई भी अपना ऐसा विक्रम नहीं बनाने का है। तो ये सभी बातें बुद्धि में आएंगी, और आएंगी तो उससे हमारे एक्शंस जो है वो चेंज में चलेंगे, पवित्र चलेंगे, और उससे हमारी पवित्रता की आधार से हमारी जीवन आगे बढ़ती चलेंगी। तो इसको कहा जाएगा सोल कॉन्शियस, चलते फिरते खा, तो ये हम चलते भी रह सकते हैं, ऐसे नहीं हम चलने से बैठ जाएं तभी हो सकेगा नहीं, चलते फिरते बोलते भी सोल कॉन्शियस, ये अभी हम बोलते हैं ये सोल कॉन्शियस यानी हम आत्मा बोल रही है, ये हमारी कॉन्शियस में अथवा हमारे बुद्धि में रहने का है। तो ये हर वक्त बुद्धि में इसी अवस्था को रख कर करके इनको कहेंगे आत्मा निश्चय बुद्धि, या देही अभिमानी, या सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस। तो ये दो चीजें बुद्धि में होने की है कि आत्मा, पहले आत्मा समझेगा तब तो फिर परम आत्मा भी याद रहेगा, नहीं ऐसे नहीं मैं फलाना हूँ देहधारी तो फिर नहीं, मैं उसका संतान हूँ ना, तो उसका संतान मैं कौन, उसका संतान मैं कोई बॉडी कॉन्शियस वाला, तो उसका संतान मैं सोल, तो वो बुद्धि में सोल आएंगी ना, तो बाप और उसकी संतान मैं आत्मा, ये अपने को हर वक्त समझ कर करके हर वर्ताव में चलना है। तो हर वर्ताव में इसी अवस्था से चलने से फिर हमारा एक्शन जो होगा ना वो रॉयल होगा। रॉयल का मतलब है प्योर, प्योरिटी तो रॉयलिटी है ना, हम देवताओं को इतना मानते हैं ये क्या है उसमें क्या रॉयलिटी है, ये प्योरिटी की तो रॉयलिटी है ना, तो ये प्योरिटी के एक्शन हमारे रहेंगे, इसी से फिर हमारे कोई कर्म ऐसा विकर्म नहीं बनेगा, तो खाता भी सेफ रहेगा और हमारी जो कुछ है हम बढ़ते जाएंगे, हमारे एक्शन राइट होने से हमारे में ताकत आती जाएंगी एक्शन में, वो भी हमको साथ साथ वो परहेज रखने से वो बल भी मिलता जाएगा ना, अगर परहेज न रखेंगे तो बल कहाँ से मिलेगा, फिर हमारा रोग निवारण कैसे होगा। तो रोग निवारण के लिए हमको ये परहेज और ये दवाई हाँ ये सब लेनी पड़े ना, तो ये ज्ञान भी लेना है जो हमारे को दवाई का काम करती है, उसके साथ से जो धारणाएं हैं वो परहेज के रूप में धारण भी करनी पड़ेगी ना, तब तो फिर हमारी जो कुछ है वो हमारा रोग निवार, बाकी हम ऐसे ही चलते रहेंगे खाली सुनते रहें तो उसे क्या होगा, तो सुनते सुनते तो बहुत काल हो गया, आपे ही होगा आपे ही नहीं होगा ना, हमको कर्म बदल करना है, बदली करना है कर्म, कर्मों को जब तक चेंज नहीं किया है तब तक हमारे एक्शन वही चलेंगे, तो हमारा विक्रम का खाता पाप तो बनता चलेगा ना, फिर पाप बढ़ता चलेगा तो पाप का बोझा भी चढ़ता चलेगा, तो हमारे एक्शन चेंज होने चाहिए फौरन। इसीलिए देखो बाप यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं ना कि जल्दी से हाँ जितना, इसीलिए बतलाते हैं कि नहीं अभी दुनिया ही ऐसी आने की है जिसमें अभी न करेंगे तो कभी करेंगे, अभी श्वास निकल जाए शरीर छूट जाए तो फिर क्या ले जाएंगे, तो करना है ना अभी, इसीलिए हमको फौरन अपने एक्शन को बदली करें, इसीलिए पवित्रता के ऊपर पांचों विकारों के ऊपर यहाँ फोर्स दिया जाता है। और कोई सत्संग में इसी तरीके भले कहेंगे निर्विकारी रहो पर वहाँ आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा कर कर करके वो थोड़ा थोड़ा करके आस्ते आस्ते कर करके वो इसी तरीके से तो देखो आप कई काल हो गया है तो क्या होता है, तो बाप तो आकर कर करके इन बातों से बिल्कुल छुड़ाने के लिए ही आते हैं नहीं, क्योंकि वो ले जाते हैं प्रैक्टिकल उस सतयुगी सतोपाधान दुनिया में ले जाते हैं, तो उनको तो फौरन ही यहाँ पांचों विकारों से छुड़ा कर कर करके हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, जिसकी प्रालबद्ध श्रेष्ठ पाए। तो ये सभी चीजें को भी समझना है अच्छी तरह, बाकी सोल कॉन्शियस कोई ऐसा नहीं है कोई आंखें बंद कर कर करके
या कोई किसका ध्यान करना है या कुछ नहीं, चलते फिरते अपने को आत्मा समझना। अभी ये नहीं समझना है कि नहीं आत्मा ने ये शरीर लिया, मैं आत्मा हूँ, तो ये अपनी बुद्धि को बदली करना है, आत्मा में लगाना है। वैसे हम बॉडी अपने को समझते थे, मैं फलानी हूँ, वो देगा आत्मा, अभी मैं आत्मा हूँ। दादा, अभी बाप दादा तो समझते जाते हो ना, तो बाप दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत बच्चों पे याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा लियो, पहले ले, पहले देंगे, पहले देंगे। अच्छा अब ये तो लिया। हाँ अच्छा, जो आज टोली मिली है।